देखिए, नीतीश कुमार के राज में जब पहला शासन था इनका, पिछले साल का, पिछले टेन्योर का, उस समय लॉ एंड ऑर्डर कुछ काबू में था। लेकिन जब दूसरी बार सरकार का गठन हुआ तो उत्तरोत्तर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दयनीय होती चली जा रही है। अब पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि मुजफ्फरपुर में जितनी हत्याएं हुई हैं, इतना किसी अन्य जिला में हत्याएं नहीं हुई। और अगर पूरे प्रांत के हत्याओं का अगर गिनती किया जाए तो हमें लगता है कि यूपी से भी आगे निकल गया है बिहार। तो आप कह सकते हैं कि बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। पहले तो इन अपराधियों का मनोबल इतना था कि अधिवक्ताओं को भी नहीं छोड़ते थे। आप देखे होंगे बहुत सारे अधिवक्ताओं की भी हत्या हुई है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और कानून कुछ किया नहीं। नतीजा ये हुआ कि अब अपराधियों का मनोबल इतना हाई हो गया है कि अब वो न्यायिक व्यवस्था पर भी चोट कर रहे हैं। हमें लगता है कि आने वाले समय में न्यायिक पदाधिकारियों के लिए और भी बुरा दिन आने वाला है। इसलिए मैं बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर के महासचिव की हैसियत से ये न्यायिक व्यवस्था से मांग करता हूँ कि बिहार सरकार पर दबाव बनाया जाए ताकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जाए, नहीं तो बिहार की दुर्दशा होने से कोई बचा नहीं सकता।